टेलीविजन सीरियल उड़ान में खतरे में है सानवी की जान। घर में इमली रह रही है नौकरानी बनकर और कहीं न कहीं मौके की तलाश में रहती है कि कैसे चकोर और सूरज की मुश्किलें बढ़ाई जाएं। वहीं चकोर भी अब इमली जिंदा है इस बात को मानती है और घर पर कोई परेशानी न आ पड़े उसका पूरा ख्याल रखती है। यहाँ इमली ने चकोर की बेटी को पिलाने के लिए जो दूध रखा था उसे बदल दिया है और वो सानवी को नुकसान पहुँचाना चाहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती है। वहीं विवान भी घर में जख्मी होकर आता है जिससे चकोर काफी परेशान दिखती है। अब क्या होगा आगे? क्या चकोर ढूंढ लेगी घर में छुपी इमली को? टेलीविजन सीरियल की ऐसी नरम गरम खबरें देखते रहिए हमारे चैनल में और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसा मुझे लगता है कि इमली का हाथ है। मुझे एहसास होता है कि दूध बदल दिया गया, कुछ तो हुआ है। तो पर अचानक से विवान की भी एंट्री हो जाती है। जो विवान को चोट लगी है वो कह रहा है डाल से टकरा गया, पर वैसे लग नहीं रहा कि डाल से टकरा है, तो अजीब सा हो रहा है और माँ मेरी बात सुन नहीं रही है। वो उन्हें लगता है कि अब मैं खो चुके अपना दिमाग। तो कहीं ना कहीं जब चकोर ढूंढ रही थी इमली को, बट सामने भी आ चुकी है इमली, पर खाली चकोर के सामने आ गई और किसी को नहीं, तो वो कितना विश्वास बाकी सब लोगों को? पता नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ सबको समझाने की, कोई मान नहीं रहा मेरी बात। अब देखते हैं कब मानेंगे मेरी बात और कब मानेंगे कि इमली आ गई है। तो विवान की इस हालत देखकर चकोर फाइंड आउट करेगी कि किसने किया क्या? अब वो विवान खुद बताएगा, क्योंकि मैं तो पता नहीं कर सकती कि विवान को किसने मारा, मतलब कहाँ से चोट आई है। अब देखते हैं क्या होता है। कीप वॉचिंग उड़ान, बहुत सारे ट्विस्ट आ रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। सो कीप